हमारा कैमरामैन जो है बरमुंडा कुमार। ये देखिए गाइस, बारिश में मिट्टी ढीले होने के कारण ये वाला जो पेड़ पूरा रास्ता कवर हो गया। देखिए साइड से कुछ कुछ गाड़ी पार हो रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये देखिए गाइस, यहाँ पर जो है पूरा धस गया है, मिट्टी पत्थर पूरा धसा हुआ है। देखिए कितना धसक रहा है यहाँ पर। गाइस आप लोग यहाँ पर जितने भी खड़े डंपर देख रहे हैं साइड में, ये जो है दो दिन कंटिन्यू बारिश होने के कारण माइंस में मतलब एंट्री नहीं दिया जा रहा है गाड़ी, इसीलिए मतलब गाड़ियों को ऊपर जाने का परमिशन नहीं है। तो अभी इसीलिए ये लोग साइड में भी खड़े हैं, और जब बारिश मतलब बंद हो जाएगा उसके बाद फिर एंट्री मिलेगा तो ये लोग जाएंगे। इधर हम लोग अभी पुलिया के सामने पहुंचे हैं। इधर देखिए ब्रिज के नीचे जो नदी किस प्रकार से भरा हुआ है, नदी में पूरा जोरदार पानी आ रहा है। ये वाला नदी हम लोग को देखने मिलेगा बोकना में, शायद बोकना में बहुत जोरदार पानी भरा होगा। आगे में मिलेंगे उससे, बोकना का नदी को भी आप लोगों को दिखाएंगे। यही वाला ही नदी वहाँ पर गया है, तो मुझे तो लग रहा है कि शायद जो नीचे वाला जो लोहा का ब्रिज है वो वाला डूब गया होगा पूरा। गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं हाथी चौक। इधर जो लेफ्ट साइड रोड दिख रहा है, इधर है किरबू जाने का रोड, इधर है गुआ का, और यहाँ पर हाथी चौक पता नहीं क्यों नाम पड़ा, शायद पहले बहुत हाथी उती निकलते होंगे शायद इसीलिए। और देखिए पूरा ओरिजिनल हाथी की तरह दिखेगा वाला हाथी, पूरा ब्लैक कलर का, क्या बोलेंगे इसको, जंगली हाथी। तो अभी निकलते हैं हम लोग इधर, अभी हम लोग ले रहे हैं गुआ वाला रोड, सीधा मिलते हैं अभी गुआ में। गाइस आप लोगों को लगता हो कि बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन बारिश अभी भी हो रहा है। कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा है लेकिन बारिश हो रहा है। बारिश बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, कंटिन्यूसली मतलब बारिश चला हुआ है, बारिश रुक ही नहीं रहा है दो दिन से। इतने सारे लोगों को देख के लग रहा है कि ये लोग पेड़ पौधे जो गिरे हैं उसको काट के साइड कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, इधर भी मिट्टी धस के पेड़ गिरा हुआ है। जगह पे हम लोग पहुंचने वाले हैं गाइस, इस छोटे से झरने के बाद वो जो गांव दिख रहा है छोटा सा, इस गांव का नाम है पिचईकिरी। और यहां पर से छोटा मोटा गांव है, और यहां पर पहले बिजली भी नहीं थी। बिजली भी अभी करीब एक दो साल होगा यहां पर बिजली मतलब उपलब्ध है। देखिए गांव का हालत कैसा है, इधर जो है हमारे लेफ्ट साइड में इधर स्कूल है, मेन रोड। ये देखिए गाइस, यहाँ पर जो है पूरा धस गया है, मिट्टी पत्थर पूरा धसा हुआ है। देखिए कितना धसक रहा है यहाँ पर पूरा, यहाँ पर जैसे चौक पत्थर जो होता है चौक वाले मिट्टी है यहाँ पर पूरा। देखिए पेड़ पौधा कैसे जड़ वगैरह निकला हुआ है यहाँ पर। कहीं ये वाला फिर पोर्शन धसक ना जाए, यहाँ से हम लोग इसीलिए जल्दी से निकलते हैं और मिलते हैं आगे। देखिए गाइस आगे में देखिए आगे में कैसे धसा हुआ है पूरा। देखिए इधर चारों ओर से जड़ निकला रुके, मैं कैमरा आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारा कैमरामैन जो है बरमुंडा कुमार, ये देखिए गाइस अभी भी कैसे कंटिन्यूसली धस रहा है। देखिए यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है।
यहाँ पर रुकना भी ठीक नहीं है, इतना मोटा पेड़ इतना साइड में है, कभी भी धस सकता है बारिश में। इस तरह से रास्ता पूरा जाम है। थोड़ा सा साइड कर देते हैं इसको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। गाइस यहाँ जो है बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा संभल के आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार ऐसे केसेस कुछ कुछ लगा हुआ रहता है, ऐसे रास्ते में पेड़ गिरना, मिट्टी धसना। इधर बहुत बड़ा बड़ा चट्टान भी है, देखिए कैसे चट्टान है, ये सब कभी ना कभी बारिश से जो है धसता है। तो अभी ये जो है रोड डिपार्टमेंट वाले जो भी है वो लोग देखेंगे आगे। इस तरह से रास्ता पूरा कवर हुआ है, देखिए। अभी हम लोग निकलते हैं आगे, आगे कुछ बातचीत करते हैं। आगे जो है वो वाला पुलिया भी छोटा वाला डूबा हुआ है, जो बोकना का पुलिया है। मेरे पुराने ब्लॉग में जो हनुमान मंदिर है ना, हनुमान मंदिर से जो ब्लॉग दिखाता हूँ उसी में होगा। ये देखिए लोग कैसे साइड से पार हो रहे हैं। इधर देखिए पूरा कैसे जड़, पूरा जड़ दिख रहा है गाइस का, जितने भी पेड़ हैं। आज पिंटू ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए जरा ताली होनी चाहिए, क्योंकि इसने बहुत सारा पेड़ के टहनियों को हटाया है। तो वीडियो में बने रहिए गाइस, आगे मिलते हैं। जो नीचे में टीना का जो सेट है गाइस, ये वाला सेट है जो है हनुमान मंदिर का है, जो हम लोग पूजा करने लाते हैं। मेरे पुराने ब्लॉग में भी है। इसको देखिए पुल को जैसे कितने ऊपर से जा रहा है, मतलब पुल में अगर आप खड़े होंगे तो सर के ऊपर से पानी जा रहा है, और रास्ता में पानी पूरा भरा हुआ है। देखिए आगे तो जूम करता हूँ मैं थोड़ा, देखिए तो इस तरह से स्थिति है अभी। इसीलिए आप बने रहे इस किनारे ब्लॉक पे, जाना सही नहीं है, ना ही हम पार हो सकते हैं यहाँ पर। जो भी जाएंगे अभी सीधा मतलब आगे, इसीलिए हम लोग अभी मेन रोड पकड़ के जाना पड़ रहा है कहीं जाने के लिए। अभी हम लोग आ रहे हैं उधर से, मेन रोड का भी हाल ऐसे ही, पेड़ पौधा गिरा हुआ है। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा, आप बने रहे इस किनारे ब्लॉक पे। देखिए हमारे इस किनारे ब्लॉक के ये हमारे यूट्यूबर, समय रहना भी ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग निकलते हैं घर के। कैसे बंदर चलने का रास्ता, पेड़ से इधर, पेड़ से ये पेड़ तक बना हुआ है, मतलब बंदर लोग आराम से चल के जा सकते हैं, रास्ते में उतरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रास्ते दोस्तों आप सब कैसे हैं, होप कि अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है कारो नदी के किनारे पहुंच गए हैं, आप लोग को जल की धारा दिखाने के लिए। मैं हूं स्किनर ब्लॉक वाला और आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए रास्ते में कैसे पानी आ गया है, मैं आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर जो है भैया लोग भी आए हैं वीडियो वीडियो बनाने के लिए। नदी पूरा बड़ा हुआ है, पुलिया पूरा डूब गया है। हनुमान मंदिर जाने के लिए जो रोड है ये वही वाला रोड है, इसको देखिए सामने से मैं दिखाता हूं। इतना सामने में पानी नहीं होता, लेकिन इधर पानी आ गया है। इधर जो नज़ारा देखिए, तो आगे वाला जो है पुल है, पुल का मेन वाला गेट है, देखिए पुल के ऊपर से जा रहा है पानी। गाइस चैनल में जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और ऐसे ही ब्लॉग हम लोग बनाते रहते हैं, कहीं छोटा मोटा जगह से घूमने के लिए, गांव वगैरह घूमने के लिए जाते रहते हैं। तो आप लोग जो है चैनल को दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हमें हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़े, और लाइक कीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये गाइस स्किनर ब्लॉग जा रहे हैं पानी की तरफ, आप लोग मना कीजिए, मतलब इधर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इधर हम लोग जा ही नहीं सकते आगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए कितना जोरदार लहर आ रहा है, देखिए।
मतलब पहाड़ वाले इलाकों में जो नदियाँ होती है उसमें बाढ़ बहुत जल्दी ही आ जाता है, क्योंकि पहाड़ का पानी अगर कुछ भी बारिश में अगर नीचे आया तो मतलब पानी बहुत जल्दी नदी में मिल जाता है, नदी का पानी बढ़ जाता है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर। गाइस मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल सच बात है, नदी को देख के मैं डर गया था। मतलब बहुत ज्यादा जो पानी बढ़ा हुआ है ना, मतलब बहुत भयंकर दिख रहा था यार, पूरा खोपनाक था गाइस, खोपनाक साउंड से ही मतलब आदमियों की जो है ना, लोगों के आधे फट फट के हाथ में आ जाए। बस आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग ये सब नजारा अभी हम लोग निकले थे ऐसे ब्लॉग बनाने के लिए, लोगों के लिए रिस्क उठा रहे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिलेगा तो और अच्छा लगेगा गाइस, और ज्यादा मोटिवेट होंगे हम लोग और दबा के वीडियो बनाएंगे। और इधर का नदी जो कितना कम पानी होता है, लेकिन अभी देखिए गाइस देख रहे हैं ना, लग रहा है ना डर, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ज्यादा रुकते नहीं है, निकलते घर की ओर। ठीक है, बाय बाय।